ले चलते हैं आपको किशनगंज की ओर, जहां भू माफियाओं का बोलबाला जोरों पर है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कुछ समय बाद मॉनसून स्टार्ट होने वाला है, उसके बावजूद भी नदी किनारे भू माफियाओं द्वारा अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। नहीं है इनमें किसी प्रकार का प्रशासन का कोई भय। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों खनन माफियाओं का बोलबाला काफी बढ़ गया है। नतीजा यह है कि राज्य में कुछ महीने बाद मॉनसून दस्तक देने वाला है, इसके बावजूद भी नदी किनारे स्थित संवेदनशील जगहों पर इन खनन माफियाओं द्वारा बेक ऑफ मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। जगह जगह पर अवैध मिट्टी खनन से जहां इन माफियाओं को कारोबार ढरल्ले से चल रहा है, वहीं नदी पर उनके भौगोलिक स्वरूप का बदलने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक विभागीय मिलीभगत और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में इनका कारोबार चलता है, लिहाजा ये बेखौफ है। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत बेसरवटी के वार्ड नंबर 1 के जस्ट सामने में ये जो खनन हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? जितना पानी भर गया है, कल आने के बाद पानी ओवरलोड होगा, सरकार के द्वारा से। सरकार के द्वारा से हो रहा है, तो सरकार के द्वारा से खनन नहीं हो रहा है? पीछे जितना कटा है, इतना हमको बुझा सुझा नहीं है। बासमती खुदता है, खनन हो रहा है, मना कर देता है, नहीं सुना था। देखना इसे भी देख, हमारा जमीन भी खुद करके उठा दिया। अच्छा, आपका जमीन भी खुद दिया है? वही देखिए ना, आप सामने में ही। कहाँ पे था आपका जमीन? यही सामने में देखिए ना, सब खुद दिया, वही बांस झाड़ दिखता है। ओहो, किसका, किसके द्वारा खोदा, कौन है? जेसीबी वाला सब कौन है, डंपर वाला कौन है? हमको क्या मालूम है कहाँ का है, कहाँ। आप लोग रोके नहीं रुका। क्या नाम है आपका? हमारा दो नाम है।